हेलो फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि एंगल मेजरमेंट का सिस्टम क्या है और किस तरीके से डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं और वाइस वर्सा, और साथ ही हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। और इस वीडियो में जो हम आज देखने जा रहे हैं, इसमें मैं बताऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ सामने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रायंगल हमने लिया है और इसमें ये राइट एंगल है और ये परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये बेस यानी आधार, और ये हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, हिंदी में कर्ण। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो फॉर्मूलेज आपने पढ़े होंगे, सिर्फ मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। देखिए, ये अगर साइन थीटा है तो उसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ये आप देख रहे होंगे। और साथ ही मैंने यहाँ कुछ ये इधर लिखे हुए हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, और इसी तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। ये तो एक थोड़ी बेसिक सी जानकारी हुई, इसके अलावा मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाह रहा हूँ। देख, यहाँ आप लोग देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से ये जो है हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट जो है ये 0 से 90 होता है, और सेकंड 90 टू 180, और थर्ड और इसी तरीके से फोर्थ 90 डिग्री का इनमें गैप है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी कि 0 से 90 डिग्री, उसमें हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट जो 90 टू 180 है, उसमें सिर्फ हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट जो 180 डिग्री से टू 70 डिग्री तक है, उसमें सिर्फ हमारे टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि जो 270 से 0 या 360 तक है, उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ आप देखें, मैंने एक टेबल बनाई हुई है और ये 0, 30, 45, 60 और 90 आप लोगों में से सभी ने लगभग पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये साइन, कॉस और टेन की वैल्यू हमने बताई हैं। साइन की वैल्यू 0 के लिए 0, इसी तरीके से 1/2, 1/√2, इसी तरीके से 1। और आप यहाँ देखेंगे कॉस की वैल्यूज और टेन की वैल्यूज के लिए, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया उसी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन, यहाँ आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं। और रही बात कोसेक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 1/sin करके निकाल लेंगे, और इसी तरीके से sec और cot की वैल्यूज हम अपॉन इन्वर्स करके इसको निकाल लेंगे। और रही प्रॉब्लम कि हम 90 से अपर एंगल जो होंगे 180, 135, 120, 270 या 300, तो उनकी वैल्यूज के लिए भी आगे फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप लोग, तो हम यहाँ बात कर रहे थे एंगल्स की। आप देखेंगे कि अगर कोई एंगल हमारे पास इस तरीके से है कि साइन के बाद यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। लेकिन कॉस थीटा में इंटरचेंज कैसे किया जाए इसको, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि अगर हमारे पास 90 है, यहाँ सब जगह मैंने 90 लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बाकी केस भी बताऊंगा, लेकिन अगर 90 हो या 270 हो तो ये चेंज होंगे, और चेंज कौन सा किस में होगा आप देखिए, साइन कॉस में चेंज होगा, और इंटरचेंज भी हो सकते हैं आपस में कॉस को साइन में। इसी तरीके से टेन और कॉट आपस में चेंज हो सकते हैं, और सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज होंगे। लेकिन ये कब होंगे, जब हमारे पास एंगल ये 90 या 270 से शुरू होने वाला हो, और अगर ये 180 है तब कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये साइन 90 माइनस थीटा,
चूँकि यहाँ 90 है इसलिए साइन कोस में चेंज होगा, तो सबसे पहले हमने यहाँ कोस लिखा। अब 90 माइनस थीटा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आप साफ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा और फिर थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। वहीं अगर ये एंगल्स हमारे पास 90 की जगह 180 होता तब इनकी वैल्यू ये ना होती, तब मैं आपको बताता हूँ कि तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। देखिए तो अब आप देखिए, मान लीजिए कि 90 की जगह हमारे पास 180 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 180 है तो चेंज नहीं होगा, इसलिए रहेगा तो हमारे पास साइन नहीं, साइन को हमने चेंज नहीं किया, वो सिर्फ साइन रहेगा। अब आप आगे देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, मैंने बता चुका हूँ ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और वहीं अगर हम टेन की बात करें तो चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 180 है तो ये टेन रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, इसलिए आप याद रखें कि अब टेन से पहले माइनस आ जाएगा। और यही तरीका कोसेक के साथ होगा, अगर कोसेक 180 माइनस थीटा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोसेक रहेगा। ओके, और इसी तरीके से हम 270 एंगल्स होगा तब चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मूला बेसिक यही है जो मैंने आपको बताया है, फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछें। इसके साथ ही मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए तो आप लोग ये एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक 390 की, तो हमारे जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं ये होते हैं 360 और ये 360 से ज़्यादा है 390, तो इसकी वैल्यू होगी कोसेक, अगर 360 से ज़्यादा है कोई वैल्यू जो हमें उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें सबसे पहले 360 से आप डिवाइड कर दें और जो हमारे पास बचे हम वो लिख लेते हैं, और इस कंडीशन में हमारे पास बचेगा 30, यानी कि हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक 30 की, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ये प्रश्न हो गया। मैं आपको और कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि हमको वैल्यू निकालनी है कॉस ले लेते हैं कि 270, तो आप यहां देखेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस, क्योंकि 270 हमारे पास एक ये यहां होता है 90 180 270, तो 270 प्लस 0 कर सकते हैं इसको, अब cos 270 प्लस 0 ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में या यहीं इस बाउंड्री लाइन पर होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू cos को तो चेंज करेंगे हम साइन में, और 0 ये वाली, साथ ही ये प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, अगर ये बाउंड्री पर होगा तो प्लस, ओ बाउंड्री पर होगा तो नेगेटिव, और फिर ये होगा पॉजिटिव, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आई 0। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे सामने एक और एग्जांपल है कि कॉट माइनस 15π/4 की वैल्यू क्या होगी। अब आप देख सकते हैं कि
इसको हम लिख लेंगे कॉट माइनस 6, 7, 5। ये रेडियन में था, इसको हमने डिग्री में चेंज किया है। ये आप देख सकते हैं हमारी लास्ट वीडियो में किस तरीके से चेंज करना होता है। और अगर एंगल से पहले नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये कॉट है। इसलिए अगर ये कॉस होता या सेक होता तब हम इसको पॉजिटिव ले लेते, वरना बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इसको हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये हो गया कोट 6, 7, 5। तो आप यहाँ ध्यान दें तो 6, 7, 5 है, इसको जब हम 360 से डिवाइड करेंगे, ये मैंने आपको बताया है, तो हमारे पास बचेगा कोट 3/5। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 270 प्लस 45, और 270 प्लस 45 हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ कॉट होता है नेगेटिव, और वो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, और 270 है तो ये चेंज होगा 10 में 10 और 45, तो हमारा उत्तर हुआ +1। इसी तरीके से हम बाकी एग्जांपल्स कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। तब तक मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ देखिए कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, और cos 510 इंटू cos 330 प्लस sin 390 इंटू cos 120, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे cos 150 इंटू cos 360 है, 360 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा -30 प्लस sin 30 इंटू cos 120। अब देखिए कि cos 150 जो है इसको हम लिख सकते हैं cos 180 -30, तो ये पहुंचता है हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -cos 30। ये हुआ सीधा cos 30, क्योंकि अगर अंदर एंगल नेगेटिव है और कॉस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये साइन 30। और इसी तरीके से हम करेंगे 120 को, 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 30। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू टप करेंगे, -3/4 हो जाएगा, और इसी तरीके से इन दोनों की, तो -1/4 हो जाएगा, और इक्वल टू -1। ये वीडियो हमारी आज की यहीं ख़त्म होती है। मैंने आपको बताया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से एंगल्स को चेंज करना है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज क्या हैं, और कुछ ही बताए जा सकेंगे क्योंकि एक वाइड रेंज हमारे पास फॉर्मूलाज की है। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही उससे अगली वीडियो में मैं आपको साथ के साथ जो फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।